गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों? आज हम लोग चैप्टर टू के अंदर एक नया टॉपिक देखने वाला है, एक एक्सपेरिमेंट देखने वाला है कि जिसके अंदर हम लोग लेयर को फाइंड करेंगे। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका लेयर कितना थिक होगा या कितना थिन होगा। सबसे पहले उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वेश्चन देख लो, मेथड और टू डिटरमाइन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। नेम इज ऑलिक एसिड, लाइक अ सॉप, जिसे हम साबुन का कोई लिक्विड होता है वैसा हमारे पास एक लिक्विड है। हम लोग उसका आंसर जानते हैं कि सर आपके पास जो भी ऑलिक एसिड होगा या सॉप होगा उसके मॉलिक्यूल का साइज इतना होने वाला है। कितना? 10^-9 मीटर। ये तो हम जानते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि हम लोग सही है कि गलत। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑलिक एसिड ले लिया। आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑलिक एसिड जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है उसके अंदर मैंने 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर ऑफ हमने क्या किया, उस पर डाल दिया अल्कोहल। दोस्तों क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, दोनों का मिक्सर हुआ तो ये हमारा फर्स्ट मिक्सर रेडी हुआ। ध्यान से समझना, 1 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, ये हमारा टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। पर हमें ये भी नहीं चाहिए, उसका हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो हमने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया और उसके अंदर हमने फिर से 19 सेंटीमीटर अल्कोहल को डाल दिया तो फाइनली हमारा ये फिर से मेन मिक्सचर रेडी होगी। अब मेरे कोई पूछे कि सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो याद करो केमिस्ट्री में ऑलरेडी आ चुका है। तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब 1/20/20, यानी ये देखो दोस्तों टोटल 400 हो गया। क्यों 400? इसका 20 था, हमने पूरा नहीं लिया, इसमें से 1 सेंटीमीटर 19 मिक्स यानी 20, तो दोस्तों 2/20/20 आया, तो कितना कॉन्सेंट्रेट हो गया, यानी 1/20×20। ये जैसे ही मैंने लिक्विड, ये हमारा मेन जो लिक्विड हो गया उसको हम ड्रॉपर से कलेक्ट कर देंगे और उसको एक बड़ा सा हम लोग एक बड़ा सा जो बीकर जैसा कुछ लेके उसके अंदर सारा लिक्विड ले लेंगे, उस पे हम लोग ड्रॉपर से, ध्यान से सुनना दोस्तों, आइसोपोडियम वाला पाउडर डालने वाले हैं। रिपीट, आइसोपोडियम वाला पाउडर, जिससे वो पूरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। जैसे आप पाउडर डालोगे तो एक पतला सा लेयर बन जाएगा लाइक दिस, पूरा लिक्विड तो होगा दोस्तों, पूरा लिक्विड ऐसा होगा, यहां पे होगा पूरा लिक्विड। और जैसे ही हमने एंड ड्रॉप से डाला तो उसका लेयर बनना स्टार्ट हो गया जो यूनिफॉर्म है, सेम साइज वाला। क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों, अगर मैं बोलूं एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना, एक ड्रॉप मैंने डाला, ड्रॉपर से मैंने एक ड्रॉप डाला तो उसका वॉल्यूम भी है, हमने एन ड्रॉप डाले दोस्तों तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n×V। अब उसके अंदर ऑलिक एसिड कितना होगा, ये ड्रॉपर का वॉल्यूम है, उसके अंदर ऑलिक एसिड कितना होगा, तो वो फाइंड करने के लिए ये हमारा वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग पहले ही कॉन्सेंट्रेशन को लेके आए, यानी दोस्तों ये हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। अब मैं ये बोलूं कि अगर इसकी थिकनेस t है तो थिकनेस कैसे फाइंड करोगे, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, हाइट या थिकनेस। अगर मैं थिकनेस को सब्जेक्ट बनाऊं दोस्तों तो क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। बोलो मेरे पास वॉल्यूम रेडी है? यस सर, n V इंटू 1/20×20 400 डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम यानी एरिया हो गया a, तो आपको क्या मिला दोस्तों, ध्यान से देखो, आपको उसकी थिकनेस मिल गई। जैसे ही थिकनेस मिल जाएगी उसके हिसाब से आपको उसकी साइज मिल जाएगी 10^-9। ये क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक ध्यान से पूरा एक्सपेरिमेंट देख लो दोस्तों, बिल्कुल ऐसी तरह किसी ने नहीं किया,
ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे वर्ड्स याद रखो। देखो दोस्तों,